अफसोस हम मुकेश को नहीं बचा पाए। ऑल राइट गाइस, सो टॉपिक तो पढ़ लिया, तो क्या हुआ एक्चुअली इसका ना वो बताता हूँ आपको, रियल इंस्पिरेशन क्या था। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना एक क्लाइंट का फ़ोन आया, उनका ना डाइवोर्स होना था, बहुत दिन से वो डाइवोर्स डाइवोर्स चिल्ला रही थी। अब उसका डाइवोर्स होने लगा, म्यूचुअल की बात हो रही है, तो म्यूचुअल हो गया, तो होता ना जैसे अभी सेकंड मोशन था, तो उनका डाइवोर्स होने वाला था, तो उनको डिग्री मिल गई। अब क्या होता है, तो वो कॉल करती है, रोने लगती है कि सर मेरा डाइवोर्स हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई तुम्हें तो चलो मच रही थी डाइवोर्स की, म्यूचुअल डाइवोर्स की, अब हो रहा है तो इन्जॉय करो, चिल करो। वो भाई वो रोने लग गई कि सर मेरे को दोबारा शादी करनी है, ये वो। सो क्वेश्चन ये कि भाई दोबारा शादी कर सकते हैं या नहीं। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जी आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल में भी आप कर सकते हो, कंटेस्टेड में भी आप कर सकते हो, बस आपके पास डिग्री होनी चाहिए। देखो अपना प्रोविजन को समझा करो, शादी इंसान कब कर सकता है, उसके पास डिग्री हो वो शादी कर सकता है, वो किसी से करे, आगे करे या आपस में करे, कोई मैटर नहीं करता। बस ये कि एक साथ दो शादी नहीं कर सकता, समझ रहे हो प्रोविजनों को, समझ रहे हो, एक साथ दो शादी नहीं कर सकता। अब आपस में डिग्री मिल गई डाइवोर्स की, अब उनको ये है कि यार गलती कर दी डाइवोर्स लेके, तो वो आपस में दोबारा शादी कर सकते हैं, इसमें कोई वो मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कर सकते हो, क्योंकि समझ रहे हो ना प्रोविजन, तो डाइवोर्स की डिग्री होनी चाहिए, फिर आप आपस में करो, कहीं और करो, कहीं भी करो, इट्स योर चॉइस। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।